Hello friends, this is Shreyas, Badiye. Welcome to my YouTube channel. This is the video lecture from Indian Polity series, which is about the topic that is Chief Minister. I have already discussed with you the topic Governor in my previous video. So, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो, वो लेक्चर नहीं देखा हो, वो उसे एक बार देख ले ताकि आपको ये टॉपिक समझने में और ज़्यादा आसानी जाए. So, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले. उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन, ताकि आपको और ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहे. उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिया हुआ है. और मैं आपको एक बात बता दूँ, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतने वीडियोज आते रहेंगे, जल्दी जल्दी आते रहेंगे और हर टॉपिक पे आते रहेंगे. सो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चीफ मिनिस्टर, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमको कौन कौन से और टॉपिक्स कवर करना है. तो देखिए, सब टॉपिक्स जो जो हम इस टॉपिक जो है चीफ मिनिस्टर इसमें कवर करने वाले, उसमें फर्स्ट है अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है चीफ मिनिस्टर का, उसके साथ साथ ओथ, टर्म, सैलरी कैसी होती है चीफ मिनिस्टर की, पावर्स और फंक्शंस क्या है उनके. पावर्स और फंक्शंस में हम चार और टॉपिक्स सब टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेकंड इन रिलेशन टू गवर्नर, थर्ड इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर एंड फोर्थ इज अदर पावर्स एंड फंक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अपॉइंटमेंट. तो देखिए, स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि सब लोग हम जानते ही होंगे कि हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होते हैं. ठीक है, जिस तरह से सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह स्टेट पे चीफ मिनिस्टर होते हैं. हर स्टेट का एक मुख्यमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं. अब इसमें आपको ये याद रखना है, जो प्रोसीजर प्राइम मिनिस्टर की है, जो पावर्स है, लगभग सिमिलर पावर्स चीफ मिनिस्टर को स्टेट के लिए, जो सेंट्रल के लिए प्राइम मिनिस्टर को है. तो इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से स्टडी, प्राइम मिनिस्टर स्टडी करते हो, चीफ मिनिस्टर वाले टॉपिक को आप अपने माइंड में रख के स्टडी कीजिएगा, आपको समझने में आसानी जाएगी. सबसे पहले हम आते हैं अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है चीफ मिनिस्टर की, उस पर. तो देखिए, अपॉइंटमेंट कैसी होगी ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नहीं बताता है. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये प्रोसीजर जो है, किस तरह से सिलेक्ट किए जाएंगे, किस तरह से अपॉइंटमेंट की जाएगी चीफ मिनिस्टर की, ये दिया हुआ नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है. बस 164 जो आर्टिकल है वो एक बात हमें बताता है कि जो चीफ मिनिस्टर है इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे. हर स्टेट में एक गवर्नर होते हैं. मैंने आपके साथ पिछले वीडियो लेक्चर में गवर्नर ये टॉपिक कवर किया था. तो गवर्नर जो होते हैं ये चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं. पर देखिए, ये ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नर फ्री है अपॉइंट करने के लिए. जो चीफ मिनिस्टर है उनको, जिनको चाहे उनको गवर्नर एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हमको एक चीज इसमें याद रखनी है, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहते हैं, जिसमें पार्लियामेंट जो होता है ये प्रेसिडेंट से भी, यानी आप ये देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ऐसे दो सिस्टम्स हैं. हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पूरा पार्लियामेंट मिलके कुछ डिसीजन लेता है. तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में होने के कारण जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जिनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, वो अपने मर्जी से ना करते हुए, जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली होगी लोकसभा में, जिस तरह से सेंटर में, उस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में, स्टेट पे जिसको सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स मिली है जो पार्टी को, उनके जो लीडर है उनको चीफ मिनिस्टर करके अपॉइंट किया जाता है. ये चीज़ आपको याद रखना है. सो हमने ये तो देखा था कि मेजॉरिटी पार्टी है उसमें से उसका जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर करके अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा. तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी है जब किसी भी पार्टी को कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली हो, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस वक्त क्या होगा. व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दैट केस व्हाट विल हैपन. ऐसे केस में जो गवर्नर है ये अपना पर्सनल डिस्क्रिशन जो है ये यूज कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी यूज कर सकते हैं सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट में चीफ मिनिस्टर के. बट इसमें क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ. ऐसे सिचुएशन में देखिए, गवर्नर तो अपनी मनमर्जी से किसी भी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे गवर्नर क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में गवर्नर यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी, जो पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है, ऐसे पार्टी के जो लीडर होंगे उनको यहाँ पे बुलाया जाता है कि आप अपना गवर्नमेंट बनाइए, आपको एज अ सीएम हम अपॉइंट करते हैं, और आप एज अ सीएम अपॉइंट किए जाने के
कारण यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि आप सीएम करके अपॉइंट हो चुके हैं, बट आपके पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी कितनी होना, 50% अबव होना आपके पास सीट्स। आपके पास फिर 50% अबव सीट्स नहीं है, फिर भी आपको अब सीएम बना दिया है। उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट भी बनाने के, गवर्नमेंट भी फॉर्म करने के लिए आपको परमिशन दी गई है। तो ये एक चीज हो गई। ऐसे इसमें क्या होता है, अब पार्टी के पास तो 50% से ज्यादा सीट्स नहीं है, तो ऐसे वक्त उनको एक महीना दिया जाता है, 1 month, कि आप प्रूव कीजिए आपका जो भी मेजॉरिटी है उसे प्रूव कीजिए, यानी आप कॉन्फिडेंस लीजिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लेना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपके खिलाफ पास हो गया तो आपको गवर्नमेंट से रिजाइन करना होगा। आपको 1 month का टाइम मिलता है। 1 month में क्या किया जाता है, बाकी जो पार्टीज है छोटी मोटी उनको जोड़ दिया जाता है साथ में, सबकी सीट्स एक साथ जुड़ने के बाद वो पार्टी के पास 50% प्लस सीट्स आ जाती है तो ठीक है। अगर पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाता है, कोएलिशन नहीं हो पाता, या कोएलिशन जो वर्ड है इसका मतलब है एक से ज्यादा पार्टी जब एक में आती है और मेजॉरिटी ना होने के कारण सीट्स में एक में आके वो मेजॉरिटी बनाती है, तो इस चीज के लिए उनको 1 month मिलता है। 1 month तक वो चीफ मिनिस्टर होते हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली के, बट 1 month में उनको प्रूव करना होता है कि उनकी सीट्स 50% का जो आंकड़ा है ये क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद एक और सिचुएशन है जब अपना खुद का जजमेंट ले सकते हैं जो गवर्नर है वो, वन मोर सिचुएशन इसमें ये है कि जब चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है उनकी सडनली डेथ हो गई, इफ चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली डेथ हो गई और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनकी जगह ले सकता है ऐसा दिख रहा है, उस वक्त जो गवर्नर है वो किसी को भी एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, व्हेन चीफ मिनिस्टर डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, देन गवर्नर मे हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये चीज आपको याद रखते हुए चलना है। तो ये दो सिचुएशंस थी मैंने जो आपको बताया यहाँ पे, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर के अंडर ही हम इन दो सिचुएशंस को स्टडी करते हैं। सो उसके बाद हम देखते हैं ओथ। ओथ में एक चीज आपको याद रखनी है, ओथ क्या लेते हैं क्या नहीं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना है कि वो जो ओथ होती है ये सीक्रेसी और ऑफिस दोनों ओथ लेते हैं। सीक्रेसी यानी गोपनीयता की, यानी सब गुपित रखने की, और ऑफिस की, दोनों शपथ यहाँ पे ली जाती है, दोनों ओथ यहाँ पे ली जाती है और इनको ओथ देते हैं हमारे गवर्नर। तो गवर्नर जो भी होंगे आपके स्टेट के, वो आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे ओथ देते हैं, और ओथ दो तरह की होती है, ऑफिस और सीक्रेसी की, दो ओथ। उसके बाद देखते हैं टर्म। टर्म क्या होता है, इनका टर्म जो है वो कोई फिक्स नहीं है, जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नर उनको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं? नहीं, जब तक उनको मेजॉरिटी है, सपोर्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक उनको डिसमिस नहीं कर सकते हैं जो गवर्नर है वो। बट अगर उनका कॉन्फिडेंस लॉस हो गया है, यानी उनके मेजॉरिटी नहीं रही, यानी उनके पास 50% से ज्यादा, यहाँ पे अगर 50% से ज्यादा उनके पास सीट्स नहीं बची है, तो ऐसे वक्त उनको यहाँ से रिजाइन करने बोल दिया जा सकता है, या फिर गवर्नर उनको डिसमिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक वो होल्ड करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी उनको निकाल सकते हैं गवर्नर। गवर्नर उनको तभी निकाल सकते हैं जब उनकी मेजॉरिटी ना हो। तो ये चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं सैलरी के पास। इनकी जो सैलरी होती है ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करता है, इसलिए अलग अलग चीफ मिनिस्टर की अलग अलग सैलरी आपको देखने मिलेगी। आप गूगल पे देख सकते हैं कि आपके स्टेट के सीएम की कितनी सैलरी है। अगर यही आप दूसरे कोई स्टेट के देखेंगे तो सैलरीज ये अलग अलग दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर रहा है सैलरी, तो सैलरीज अलग अलग होगी। उसके साथ साथ उनको सैलरी और अलाउंसेस जो है, जितनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को है, एमएलए हो गए, एमएलसी हो गए, इनको जितनी है उतनी ही सैलरी इनको भी होती है। एडिशनली जो इनको मिलता है वो मिलता है कि यहाँ पे देखिए, सम्पटरी अलाउंस, फ्री रिकम एकोमोडेशन रहने के लिए जो घर मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें इनको दी जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, एडिशनली ये मिलता है सैलरी में। तो ये हो गया सैलरी तक का पार्ट। तो हम अब तक अपॉइंटमेंट देख चुके हैं, ओथ टर्म एंड सैलरी देख चुके हैं। अभी हम बढ़ेंगे मेन टॉपिक जो है उसके तरफ, जिसका नाम है पावर्स एंड फंक्शंस। सो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस।
सो पावर्स एंड फंक्शन में हमको चार तरह के पावर्स देखने हैं चीफ मिनिस्टर के रिलेशन में. सबसे पहले जो पावर है चीफ मिनिस्टर की वो रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सेकेंड जो है वो है गवर्नर को लेके, गवर्नर के रिलेशन में सेकेंड. थर्ड जो है वो है स्टेट लेजिस्लेचर को लेके, यानी जहाँ लॉ बनते हैं हमारे जो हाउसेस है उसको लेके. और फोर्थ है अदर. तो अदर जो रहेंगे और भी मिसलेनियस जो पावर्स है ये सब हम स्टडी करने वाले हैं. तो इतने पावर्स हमको यहाँ पे स्टडी करना है. ये सब रिलेशन में है चीफ मिनिस्टर के ये पावर्स. सो जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको स्टडी करते हैं. सबसे पहले ऐसा कहना है कि देखिए ये रिकमेंड करते हैं कि कौन मिनिस्टर्स करके अपॉइंट करेंगे हमारे गवर्नर साहब, यानी गवर्नर जो होते हैं ये मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. तो वो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, सीएम विल रिकमेंड गवर्नर कि आप किस किस को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे. तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है. उसके साथ साथ गवर्नर वही लोगों को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जिनको चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, जो बताए गए हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा उन्हीं को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. ये चीज़ आपको याद रखते हुए चलना है. उसके साथ साथ आपको आगे जो ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट जो होता है उसमें ऐसा कहा गया है कि एलोकेट्स, यानी कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा. समझ जाइए किसी को फॉरेस्ट दिया जा रहा है, किसी को फाइनेंस दिया जा रहा है, तो किसको कौन सा मिलेगा वो भी डिसाइड करते हैं हमारे सीएम साहब. रिशफल भी करते हैं. रिशफल का मीनिंग है चेंज करना, इसका उधर इधर का इधर करना. जैसा जो फाइनेंस था उसको कभी दे दिया फॉरेस्ट, जो एजुकेशन दे दिया किसी को ये फॉरेस्ट वाले को. ये जो है चेंजेस किए जो जाते हैं इसको रिशफलिंग कहते हैं मिनिस्ट्री में, जो आप देखते हैं सेंट्रल में होते हुए आपने देखा है अभी फिलहाल. तो इसमें आप याद रखेंगे कि यहाँ पे रीशफल करने का काम और एलोकेट करने का काम, कौन सा पोर्टफोलियो कौन से मिनिस्टर को देना ये बताने का काम भी है हमारे सीएम साहब का. तो सीएम साहब ये भी काम थोड़ा ऐसा कहता है कि वो किसी भी मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप रिजाइन कीजिए सर, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे. या फिर गवर्नर को एडवाइस भी कर सकते हैं कि देखिए इनको डिसमिस कीजिए क्योंकि ये बराबर काम नहीं कर रहे, हमारे साथ इनके जो ओपिनियन है ये मिल नहीं रहे हैं, सो आप इनको प्लीज डिसमिस कीजिए. ऐसा भी एडवाइस कर सकते हैं जो हमारे सीएम साहब है गवर्नर को, या फिर किसी मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि साहब आप रिजाइन कर दीजिए, आपसे अभी ये काम नहीं हो पा रहा है. तो ये है थर्ड पॉइंट. फोर्थ ऐसा कहता है कि जो भी मीटिंग्स है काउंसिल की, उसके उसके जो हेड रहेंगे, जो प्रिसाइड करेंगे उस मीटिंग को, वो हमारे सीएम सर ही रहेंगे, सीएम सर रहेंगे. उसके साथ साथ जो डिसीजन सीएम सर की रहती है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है इस मीटिंग में. तो ये भी चीज़ है एक, ये भी इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने एक पावर है. उसके साथ साथ वो गाइड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सभी मिनिस्टर के बीच की एक्टिविटीज. अब समझ जाइए 1, 2, 3, 4 ये चार मिनिस्टर्स है, ये चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं जो हमारे सीएम साहब है वो, कि भाई साहब आप झगड़िए मत, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करके देता हूँ. गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है, डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, इनको कंट्रोल करते हैं ताकि ये कुछ गलत ना करे. ये सब काम भी हमारे सीएम साहब करते हैं. उसके साथ साथ जो काउंसिल है उसको कोलैप्स भी कर सकते हैं. पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगा कब, जब हमारे जो सीएम साहब है वो रिजाइन कर देंगे ऑफिस से. तो पूरा का पूरा जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये सभी के सभी रिजाइन हो जाएंगे. ये चीज आपको याद रखते हुए चलना है. अब जो मैंने आपको आखिरी पॉइंट बताया था, अगर सीएम साहब ने रिजाइन कर दिया तो सभी को जाना पड़ता है, तो इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं. सबसे पहले आपको याद रखना है सीएम जो है ये हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जैसा ये हेड है समझ जाइए, ये एक हेड है इस बॉडी का. अब ये जो हेड है यही अगर नहीं रहा तो ये बॉडी किस काम की. तो उसी तरह सीएम जो है ये हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे बॉडी की तरह है. अगर हेड ही नहीं है तो कोई मिनिस्टर किसी काम का नहीं, वो काम नहीं कर सकता है. तो रिजाइन या अगर डाई हो गए, अगर उनकी डेथ हो गई सीएम की हमारे, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये काम नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि रेजिग्नेशन और डेथ जो है चीफ मिनिस्टर की, सॉरी प्राइम मिनिस्टर अगर मैंने वर्ड यूज किया होगा, तो चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर की डेथ या रिजाइन कर दिया अगर चीफ मिनिस्टर ने, तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है. यानी रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ अदर एनी अदर मिनिस्टर जो है वो सिर्फ उसी मिनिस्टर की वैकेंसी वैकेंट करता है उसकी पोजीशन. अब समझ जाए ए नाम का कोई मिनिस्टर था, इसकी डेथ हो गई, तो ए की जो पोस्ट थी वही वैकेंट होती है. इसमें फिर वापस से सीएम किसी और को ला लेते हैं. बट अगर सीएम की डेथ हो गई सीएम की, तो फिर जो मिनिस्ट्री है ये काम नहीं कर पाएगी.
कैन नॉट फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो मिनिस्ट्री वापस से बनानी पड़ेगी जब वो यहाँ पे आ जाएंगे सीएम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, उनके बिना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये काम नहीं कर सकता। तो ये है उनके रिलेशन में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में चीफ मिनिस्टर की पावर्स बहुत पावरफुल दिखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच सीएम। यही रीजन है कि क्यों पावरफुल दिखते हैं, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए वही सब। So, इस टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम कवर करते हैं इन रिलेशन टू गवर्नर। अब इन रिलेशन टू गवर्नर में सबसे पहले आपको देखना है कि गवर्नर साहब और एक जगह मिनिस्टर्स, इन दोनों के बीच में कुछ वार्तालाप करना है, कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ बैठे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं। इतने सारे मिनिस्टर जाके गवर्नर से तो बात नहीं करेंगे, तो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जो इन दोनों की बातें करा के देते हैं। तो अभी ड्यूटी एज अ कम्युनिकेटर, एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इनकी क्या ड्यूटीज है देखते हैं। सबसे पहले गवर्नर को सभी डिसीजन बताना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ली हुई है एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ये सब डिसीजंस उनके उन तक पहुंचाना। देखिए आपको एक चीज बता देता हूँ, जिन्होंने मेरा प्राइम मिनिस्टर का वीडियो नहीं देखा हो वो उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको ये सब चीजें समझने में बहुत आसानी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर में सभी चीजें मैं काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये है पहली चीज। सेकेंड है कि फर्निश करना कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन है वो, या फिर कोई हमने बिल रखा हुआ है, कोई लॉ बनाना हम चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज आपको ये याद रखनी है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स, जो भी काम चल रहे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते रहना है गवर्नर साहब को। उसी के साथ साथ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज गवर्नर में कॉल फॉर, यानी गवर्नर बोल रहे हैं कि कोई तो भी बिल बनाइए, कोई तो भी लॉ बनाइए, उसके लिए आपको प्रपोजल रखना पड़ेगा लेजिस्लेशन में, यानी आपको वो कायदा बनाने के लिए, वो लॉ बनाने के लिए आपको कहाँ पे रखना होगा, तो कोई भी हाउस में, लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको रखना होगा जो भी बिल है वो, जो गवर्नर चाह रहे हैं उस तरह से। थर्ड है, इफ गवर्नर सो रिक्वायर्स, यानी अगर गवर्नर को लगता है, ये चीज अच्छे से सुनिएगा, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर में भी बता चुका हूँ कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर, यानी कोई मिनिस्टर किसी चीज पे डिसीजन ले चुके हैं बट अब तक उसको काउंसिल ने कंसिडर नहीं किया उस डिसीजन को, तो गवर्नर ये बोल सकते हैं कि देखिए सीएम साहब, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपका, उनको कंसिडर करने लगाइए, जो इन गवर्नर इन मिनिस्टर ने डिसीजन लिया था उसको इन लोगों को बताइए कि ये उसे कंसिडर करे, ये उस पर काम करे। तो ये सब चीजें आपको बताना, ये आपको बताना होगा एज अ चीफ मिनिस्टर इन लोगों को, अगर आपको गवर्नर बोलते हैं तो। तो ये हो गए तीन पॉइंट्स, ये उनके ड्यूटीज है, इसी तरह वो एज अ चैनल का काम करते हैं दोनों के बीच में, गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच में एक चैनल का काम करते हैं हमारे सीएम। तो ये सब चीजें है हो गई है जो आपको याद हो चुकी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ऐसा है कि ही एडवाइजेज द गवर्नर, गवर्नर को क्या बता दे कि इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल्स है, जैसे कि AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सॉरी गलती से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मैं इसे सुधार लेता हूँ। So, यहाँ पे ये एडवाइस करते हैं, हमको याद रखना है, एडवाइस करेंगे गवर्नर सर को कि आपको किस किस का अपॉइंटमेंट करना है, किन लोगों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए एज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जगह एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे, मेंबर कौन होंगे, और वही सब जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं ये कौन होंगे, सो ऑन एंड सो ऑन, जितनी भी चीज़ें हैं स्टेट से रिलेटेड उन सब के ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट पे रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर हमारे गवर्नर सर को। तो ये इन रिलेशन टू गवर्नर उनकी पावर्स है, एक है अपॉइंटमेंट में और बाकी है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बने हुए होते हैं ये दो चीज़ें में। तो हम यहाँ पे इन रिलेशन टू गवर्नर भी स्टडी कर चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर। सो इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, जैसे कि आपका विधानसभा हो गया, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये जो विधानसभा है या फिर कहीं पे विधान परिषद है, यहां पे क्या होता है, यहां पे लॉज बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग। अब जहां पे लॉ बनाए जाते हैं वो होता है स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहां पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके रिलेटेड क्या पावर्स है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास, ये हम देख लेते हैं। जो सीएम होते हैं वो लीडर ऑफ लोअर हाउस होते हैं, लोअर हाउस यानी क्या होगा, लोअर हाउस यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस। ये जो लोअर हाउस है दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा, उसके लीडर होते हैं हमारे सीएम सर। इसमें क्या करते हैं, एडवाइसेस द गवर्नर,
यानी जब कब शुरू करना है सेशन, दैट इज समनिंग, प्रोरोग यानी सेशन रोकना बंद कराना, ये बताते हैं गवर्नर को कब होगा लेजिस्लेचर का ये। यानी देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है सेशन यानी जो अधिवेशन चलता है आपके शहरों में, आपके जो भी जहाँ भी आपके असेंबलीज है वहाँ पे जो भी अधिवेशन चलता है, जिस तरह से सेंटर में हमारे प्राइम मिनिस्टर सर बताते हैं प्रेसिडेंट को सम्मन करना यानी कब शुरू होगा, प्रोरोग करना यानी कब बंद करना है, ये चीज़ें अधिवेशन को लेके वैसी ही चीज़ें गवर्नर भी बताते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को लेके। उसके साथ साथ वो रिकमेंड करते हैं डिसॉल्यूशन, यानी देखिए जब आपका टाइम खत्म हो चुका है, जैसा 5 साल का टाइम खत्म हो चुका है, नया इलेक्शन आने वाला है, तब बताते हैं हमारे सीएम सर की देखिए डिसॉल्व कर दीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली को, अब नए इलेक्शन होने वाले हैं। या फिर कभी बीच में ही सीएम सर को लगता है कि देखिए अभी रिजाइन हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस यानी हमारे पास मेजोरिटी नहीं रही है सीट्स की, मेजोरिटी चली गई है क्योंकि काफ़ी सारी पार्टी छोड़ चुकी है हमारी पार्टी, काफ़ी सारी सीट्स खाली हो चुकी है। इसके कारण जो गवर्नर है उनको वो बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर कि देखिए सर आप ये जो है उसको डिसॉल्व कर दीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली को और फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कर लीजिए। ये डिसॉल्व करने भी बोल सकते हैं, डिसॉल्व करना यानी पूरी तरह खत्म कर देना, पूरी तरह विसर्जित कर देना, सम्मन करना यानी सिर्फ अधिवेशन को बुलाना, और प्रोरोग करना अधिवेशन को बंद करना, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो खुद हाउस के फ्लोर पे आते हैं और वो पॉलिसीज बताते हैं। आपने देखा होगा अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो भी सेशंस होते हैं उनको टीवी पे, तो आपने देखा होगा वो आके एक स्पीच देते या फिर बताते हैं लोगों को कि देखिए ये पॉलिसीज है, वहाँ पे जो मेंबर्स बैठे हैं उनको, तो ये सब अनाउंस करते कि अब हमारे गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है। तो यही सब पावर्स है उनकी स्टेट लेजिस्लेचर को लेके। सो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को लेके पावर्स जो है वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अदर पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। अदर पावर्स एंड फंक्शन में आपको सबसे पहले याद रखना है इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं हमारे सीएम। उसके साथ साथ ही एक्ट एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ जोनल काउंसिल ऑन रोटेशन। जिन्होंने मेरे वीडियोस नहीं देखे जोनल काउंसिल के वो देख ले। ये जो होते हैं चीफ मिनिस्टर उसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो जोनल काउंसिल जो है उसमें रोटेशन पे एक 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 को चांस मिलता है, जो जोन्स है वहाँ पे उसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं सीएम हमारे चीफ मिनिस्टर। ही इज अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, जो भी इंटर स्टेट काउंसिल है, जिन्होंने मेरा इंटर स्टेट काउंसिल का वीडियो नहीं देखा वो भी देख ले। उसके साथ साथ एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इन दो के वो मेंबर होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे याद रखना है ही इज द चीफ स्पोक्समैन, चीफ स्पोक्समैन यानी जो भी रहेंगे प्रवक्ता, चीफ प्रवक्ता जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो होते हैं हमारे सीएम, बोलने वाले जो होते हैं चीफ वो होते हैं सीएम, चीफ स्पोक्समैन। उसके साथ साथ ही इज क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, जब भी कोई क्राइसिस हो गया दो पॉलिटिकल लेवल पे, ठीक है, ऐसा क्राइसिस नहीं कि आप पैसा कम पड़ गया ये सब नहीं, पॉलिटिकल लेवल पे कुछ झगड़े शुरू है इमरजेंसी के टाइम पे जो होता है अक्सर, उस टाइम पे इनको मैनेज करना पड़ता है चीजें, तो ये क्राइसिस मैनेजर कहलाते हैं। एज अ लीडर ऑफ स्टेट ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल, बाकी जो भी सेक्शन से उन लोगों से मिलो, ठीक है, अलग अलग जगह के आपके जो स्टेट है उसके डिफरेंट प्लेसेस के जो लोग हैं उनसे मिलो, अलग अलग सेक्शन के लोगों से मिलो और मेमोरेंडम बनाओ एक, और उन लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये चीज़ें भी हमारे स्टेट के जो सीएम होते हैं चीफ मिनिस्टर वो करते हैं, वो स्टेट के पॉलिटिकल हेड होते हैं सर्विसेज के। तो ये चीज़ें आपको, स्टेट की जो भी सर्विसेज है उसके पॉलिटिकल हेड हमारे सीएम सर होंगे। तो ये उनके अदर पावर्स एंड फंक्शंस है। सो यहाँ पे हम ये सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जिन्होंने मेरे प्राइम मिनिस्टर का वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख ले ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी जाए। उसके साथ साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए ताकि मुझे समझे कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँ। उन्हें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, मेरे फेसबुक पेजेस को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे कुछ मेल करना चाहें तो shreyasbadiye@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।